शादी का माहौल था, आज घर में बारात आना था, जिसमें कि 7 बच्चे ट्रैक्टर में बैठकर टैंकर फंसाने के लिए पानी के लिए जा रहे थे और अचानक गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे कि 5 बच्चे की मौके में ही निधन हो गया। और पंचायत दिवरी नवीन के ग्राम त्रेहंडा की घटना है, जिसमें कि शादी का माहौल था, आज घर में बारात आना था, जिसमें कि 7 बच्चे ट्रैक्टर में बैठकर टैंकर फंसाने के लिए पानी के लिए जा रहे थे और अचानक गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे कि 5 बच्चे की मौके में ही निधन हो गया और 2 बच्चे जख्मी हुए हैं। आज मरकम परिवार में गांव में ही शादी था, ग्राम त्रेहटा पर, और बारात आनी थी, उसी के खुशी में सब झूमे उठे थे कि बारात आना है, और आधे घंटे बाद मातम में तब्दील हो गया ये हंसता खेलता परिवार। बड़ा घटना, ट्रैक्टर से पानी की टैंकर फंसाने जा रहे थे, 7 बच्चे थे, ट्रैक्टर पलटा है, ट्रैक्टर के नीचे 5 बच्चे दब गए थे, 2 बच्चे छटक गए जो बच गए हैं, और 5 बच्चे की बिल्कुल पलटने से ही उनका मृत्यु हो गया है, निधन हो गया है। ये थाना चरगावा क्षेत्र में ग्राम तेनेटा के पास एक ट्रैक्टर दुर्घटना हुई है, जिसमें 5 बच्चों की मृत्यु हो गई है, 2 बच्चे अन्य घायल हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज लाकर भर्ती कराया गया है। घटना का कारण बताया जा रहा है कि ये सभी गांव के बच्चे ट्रैक्टर में सवार होकर पानी का टैंकर लेने जा रहे थे, और काफ़ी तेज़ी में था ट्रैक्टर चालक, और ये ट्रैक्टर बहक कर रोड के किनारे पलट गया, जिसमें बच्चों की दब जाने के कारण मृत्यु हो गई। 2 बच्चे जो ट्रैक्टर से फिंक गए थे वो बच गए हैं, घायल अवस्था में उनको लाया गया है, उनका उपचार यहाँ मेडिकल हॉस्पिटल में किया जा रहा है। आज शहपुरा तहसील स्थित चरगावा के पास एक सड़क हादसा हुआ था, जिसमें करीब 7 लोग इस दुर्घटना में शामिल थे। 5 लोगों की मौके पे ही ट्रैक्टर पलट जाने की वजह से मृत्यु हो गई थी, उनके शव को अब परीक्षण के लिए यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया है। 2 लोग और हैं जो कि 9 और 10 वर्ष की उम्र के हैं, दोनों ही बालकों से मैंने खुद भी बात करी है, उनको परीक्षण के लिए और मेडिकल उसके लिए सुपरविजन के लिए यहाँ पे पीडियाट्रिशियन वार्ड में भेजा जा चुका है। नेसेसरी जितने भी यहाँ पे प्रयोजन होते हैं, चाहे MRI हो या उनका फ्रैक्चर अगर हुआ हो उसकी भी जानकारी देखने के लिए उसका भी भेजा गया है, डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है। हादसा इस कारण से भी हुआ था क्योंकि जो वाहन चालक था वो 18 साल की उम्र से कम था, ट्रैक्टर बहुत तेज गति से चल रहा था जिसको वो संभाल नहीं पाए, जिसकी वजह से मौके पर जो है ट्रैक्टर पलटने का कारण हुआ, क्योंकि जब ट्रैक्टर पलटा था ये दोनों जो बच्चे थे उछल करके साइड में गिर गए थे, इसलिए इनको ज़्यादा कोई चोट नहीं आई है। मौके पर जो है SDM के साथ साथ पुलिस एवं विधायक भी उपस्थित हैं। प्रशासन की ओर से जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनको 50,000 तक की राशि और जो घायल है उनको 10,000 तक की राशि स्वीकृत करी जा रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।